नमस्कार, प्रणाम, वेलकम टू पूजा और ब्लॉग। और सुबह के बज रहे हैं 10। हम लोग जा रहे हैं आज अदुपा, टीका बाकी है 1.5 साल वाला, तो वही दिलाने के लिए। तो मैं आगे आपको दिखाऊंगी, रो रही है कि क्या सुबह से ब्लॉगिंग सोचा था कि स्टार्ट कर दूंगी, लेकिन घर पे अगर बच्चे रहेंगे ना, अब आप सोचेंगे कि इसका सारा ब्लॉग जो मेरा है मोस्टली कार में ही आता है, क्योंकि जब मैं कार में आती हूँ तो बच्चे शांत अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। तो मैं सोचती हूँ आपसे बात कर लूँ। ये देखिए अभी अदु क्या कर रही हो? अदु व्यस्त है। रुद्रांश टाइम कार में बैठने के बाद जो 5-10 मिनट का सुकून मिलता है, तो बस अभी चलते हैं, उसको टीका दिलवाएंगे। मुझे और भी काम है, लेकिन पता नहीं, पतिदेव जी को मेरे से ज़्यादा काम है ऑलवेज। जब मुझे काम रहता, मतलब मेरा जो काम रहता पिछले एक महीने से सोच रही थी, जैसे कि आप देख ही सकते हैं कि मंगलसूत्र भी गले में नहीं है, अधूरे खींच के उसको तोड़ दिया है, तो उसको भी मुझे ज्वाइंट करवाना था। तो अब देखते हैं हो पा रहा है कि नहीं, क्योंकि एक बार मैं उसे लेके गई थी तो रिटर्न फिर घर पे आई, क्योंकि हमारे यहाँ पे 4 बजे मतलब की दुकानें सारी बंद हो जाती हैं यहाँ पे महाराष्ट्र में। तो और घर पे मेरी मम्मी जी यानी कि सासू माँ आई हैं, उनसे भी मैं मिलवाऊंगी बाद में। तो अभी वो कल्याण आई है, और इसके पहले वाला जो ब्लॉग है वो भी कल्याण से मुरबाड़ जाते जब मैं गई थी, वही वाला ब्लॉग है। और अभी भी मैं कल्याण से, मतलब अभी तो मुरबाड़ नहीं जा रही हूँ, अभी मैं जा रही हूँ अदु को टीका दिलवाने। क्या बोलते टीका को? टीका ही बोलते हैं, वैक्सीनेशन। हाँ, जो मतलब रेगुलर होता है ना बच्चों का, छोटे बच्चों का। रुद्रांश का तो ऑलमोस्ट हो गया है, 1-2 और बाकी है, तो शायद उसको भी लगेगा। हाँ रुद्रांश, लेना इंजेक्शन? नहीं लेना है? अभी देखेंगे। रुद्रांश रो रहा है क्या? अदु को जब लगता है तो वो, उसको तो पता ही नहीं रहता कि मुझे इंजेक्शन लगने वाला है, लेकिन मैं बहुत डर जाती, मतलब अच्छा नहीं लगता है। और इसके पहले जब लगा था तो उसको बुखार भी आया था, अभी आज का पता नहीं कि आज का लगने के बाद उसको बुखार आएगा या नहीं आएगा। और जैसे कि देख सकते हैं सारी चीज़ें स्टार्ट हो गई हैं, मतलब सब जॉब वगैरह तो सब स्टार्ट हो चुका है, और रश भी आप देख ही सकते हैं। और क्या करेंगे, कितना दिन घर पे बंद रखेंगे, मतलब बंद हो के रहेंगे, काम तो करना ही है हम सबको। साड़ी इसलिए भी पहना है क्योंकि आज है गोलू का बर्थडे, तो मैं सोची सुबह ही साड़ी पहन के जाती हूँ तो शाम तक का काम ख़त्म हो जाएगा। और हमारा तो प्लान ऐसे है कि हम 2 से 2:30 बजे मुरबाड़ निकलेंगे, तब तक यहाँ का काम जो है वो निपटाएंगे, क्योंकि ये रहते नहीं है, हफ्ते भर के बाद आते हैं तो सारा काम पेंडिंग होता है 1 हफ्ते का। और मैं घर से बाहर जाती नहीं हूँ क्योंकि बच्चे हैं, और सही बोलूँ तो मुझे ऐसे बाहर जाना पसंद नहीं है, तो सारा काम मैं सब बचा के रखती हूँ उनके लिए। 1 हफ्ते के बाद आते हैं तो सारा लिस्ट बनता है, फिर फटाफट सारी कामें होती हैं। पहुँच गए हैं, मतलब कि जहाँ पर हॉस्पिटल में, जहाँ बद को टीका दिलाना है। तो बस चलिए चलते हैं, गाड़ियाँ तो बहुत सारी दिख रही हैं, तो शायद मुझे लग रहा है कि यहाँ पे रश है। तो बस हम आ चुके हैं यहाँ पे, और अदु पापा के साथ आ रही है अपने। सबसे पहले मास्क लगा लेते हैं, देख लेना अदु। तो अभी अदु बहुत ज़्यादा खुश है, उसको पता नहीं कि इंजेक्शन लगने वाला है। अब इसको जब इंजेक्शन लग जाएगा उसके बाद मैं आप सभी से मिलूंगी, क्योंकि अभी ये बहुत ज़ोर से रोने वाली। तो अदु को इंजेक्शन लग चुका है 1 पैर में, और इधर वाले हाथ में इंजेक्शन लगा है। जब लग रहा था तब मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा रो रही थी और उसको पकड़ना पड़ा था। अदु बच्चा, नहीं 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 नहीं, बस बाद में मिलती हूँ, क्योंकि अदु आप देख ही रहे हैं अभी बहुत रो रही है। तो
अदु को इंजेक्शन लगने के बाद अदु को थोड़ा बुखार आ गया था, वो रो रही थी, तो मैं घर पे डायरेक्ट चली गई और घर पे जाने के बाद खाना खाए। खाना खाने के बाद अब बज रहे हैं 3, मैं मुरबाड़ के लिए निकली थी तो रास्ते में ये शॉप दिखा जहाँ पे रिंग लाइट और स्टैंड मिल रहा था, तो मैं यहाँ पे अभी आई हूँ और मुझे रिंग लाइट जो होता है वो ख़रीदना है और स्टैंड मेरा टूट गया है वो भी लेना है मुझे। तो बस अब देखते हैं, अगर मुझे पसंद आएगा तो मैं यहाँ से रिंग लाइट और स्टैंड ये वाला लेकर जाऊँगी और अदु और मेरी सासू में यानी कि मम्मी जी कार में बैठे हैं, तो बस फटाफट से हम एक बार देख लेते हैं इस रिंग लाइट को। तो इसका जो प्राइस है विद स्टैंड ये 800 का मिल जाएगा और ये वाला बड़ा वाला यहाँ पर देखिए मैं चेक कर रही थी तो ये सेल्फी ले रही थी, वो भैया भी पीछे से देख रहे थे मेरे सेल्फी में। और अब हम चल रहे हैं मुरबाड़ की ओर। अदु बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी तो इसलिए शूट मैं मतलब कि कार में जब बैठी वो भी नहीं कर पाई। अब बिल्कुल घर पे जाकर आपसे भी से मैं मिलती हूँ। आ चुकी हूँ मुरबाड़ बीच में। ये मैडम ने मुझे समय बिल्कुल भी नहीं दिया हमारी गुड़िया रानी ने, और एक पैर जो है इनका उठ नहीं रहा है क्योंकि देखिए दिखा रही है कि बस यही उठा पाऊँगी ये वाला नहीं, क्योंकि वैक्सीन लगा बच्चों को प्रॉब्लम होता है तो वहाँ पे मुझे आइस से जो है सिकाई करना यानी कि बर्फ से, तो थोड़ा इसको रिलैक्स होगा। लेकिन ये मैडम जो है वो लगानी नहीं दे रही बर्फ़। कैसा होगा, दुख रहा है दुख रहा है, बोलो दुख रहा है। और ये है गोलू, इसी का बर्थडे है। ये गोलू है ना वो कैमरे पे आता नहीं है, मतलब ये देखिए। और इसका मैं ड्रेस दिखाती हूँ स्कूल का आपको, ऊपर शर्ट और टाई और नीचे हम पैंट पहना है, पैंट पहना है। आपको नहीं दिख रहा लेकिन उसने पैंट पहना है। गोलू दिखाओ पैंट पहने, हाँ देखो पैंट पहना है, घुमा के उसको पैर मत घुमाओ, पैर नहीं दिख रहा है। और अदु को नींद आ रहा था तो अदु गई, और ये श्रुति, और क्या बताऊँ, और क्या बताऊँ। मैं रेडी हो गई थी क्योंकि फिर आगा जा रहा, फिर बच्चे लोग, मैं बहुत ज़्यादा बुरी लग रही हूँ। तो आज कुछ भी नहीं बनाना है, बस खाना है और मज़ा करना है और नाचना है और नाचना है। और मैं अपने सासू माँ से मतलब कि गोलू की आजी से मिलवाऊंगी आप लोगों को आराम से, शायद इस व्लॉग में मिलवा दूँ या नेक्स्ट व्लॉग में। फिर मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, केक कट जब होगा तब मैं आपसे मिलती हूँ, ठीक है। और यहाँ का क्लाइमेट मैं आपको दिखाती हूँ कैसे है, बहुत ही अच्छा क्लाइमेट है। बारिश नहीं हो रही है लेकिन बहुत सुनहरा सा मौसम है यहाँ पर। अब शाम का चाय हो रहा है, देखिए लूडो खेला जा रहा है, लूडो पार्टी हो रही है अपने घर पे। और पढ़ने वाला बॉय इधर क्या कर रहा है, गोलू क्या हो रहा है, ब्रेक चाहिए, ब्रेक में लूडो आके देखिएगा, आजी के साथ लूडो खेल रहे हैं। ये भाभी चाय पीते हुए आप दिन में 5 बार देख सकते हैं, चाय पीते हुए गलत बोल रहा है, ऐसी कोई बात नहीं, सुबह और शाम खाली। और मेरा चाय यहाँ पे, और मुझे नेल पेंट भी लगाना है, ये देखिए
नेल पेंट लगाने का टाइम नहीं मिला, तो अभी मैं पहले चाय पीऊँगी और उसके बाद जो है नेल पेंट लगाऊंगी। तो आ जाइए आप लोग भी चाय पीने के लिए गर्मा गर्म इस मौसम में, हरियाली और चाय बहुत मज़ा आता है। तुमने ली चाय? बोलना है क्या कुछ? बोलना है लेकिन मैं अगर आप मेरे तरफ कैमरा रखेंगे तो आ रही हूँ, दिख रही हूँ, तो बस अभी मैं टेबल को सजा रही हूँ। फूल कितने बड़े बड़े हैं, फ्रेश है। शर्मा रही है। और यहाँ एक दूसरी सब्सक्राइबर है। यूजुअल ये हाफ पैंट में चड्डी बड्डी और एज यूजुअल पापा का बेटा भी हाफ चड्डी में और मैं साड़ी में और अभी बाकी के लोग जो लोग जो हैं वो तैयार हो रहे हैं। फाइनली रेडी हो गई है, सबसे बाद में श्रुति रेडी हुई, एक हफ्ते बाद बर्थडे तो बर्थडे बॉय को देखिए बर्थडे बॉय। हाँ मैं सबके साथ मैच कर रही हूँ, ब्लैक ब्लैक ब्रांच ब्लू और उधर डांस चालू है बैठे बैठे। और आज आप मतलब किसी को पहले बार देखेंगे मेरे ब्लॉग में, वन एंड बर्नी मेरे साथ मम्मी। तो हाँ सासू मम्मी जी बोलने का जरूरत नहीं था एक्चुअली, लेकिन आप समझ नहीं पाएंगे इसलिए मुझे एक्सलेंट ऐसी मम्मी है ही नहीं तो कैसे मारी थी। बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। म्यूजिक के कारण आप सुन नहीं पाए होंगे, पीछे से बैकग्राउंड में मेरे पतिदेव जी बोल रहे थे मम्मी को कि अभी ये वीडियो शूट करी तो एक गाल के मतलब गाल पे एक बजा एक मार, तो मम्मी वही हंस रही है और मैं भी हंस रही हूँ। मम्मी बिल्कुल भी ऐसी नहीं है, और अगर मैं बोलूँ कि बहुत अच्छे हैं और अच्छी हैं तो ये वर्ड बहुत कम हो जाएगा। जब भी जो मैंने चाहा मतलब जो मुझे करना है वीडियो बनाना है वो सारी चीज़ों में सपोर्ट की, और मेरी फैमिली सचमुच बहुत ही प्यारी है, बहुत अच्छी है। तो ये रही मेरी फैमिली, यहाँ पे सोई है, उससे उठना नहीं हो रहा है, इसलिए नहीं उठ रही क्योंकि इंजेक्शन लगा है ना, तो पैर जो है ना उसका बहुत ज़्यादा पेन कर रहा है। तो अभी हम लोग अद्दू को उठा के लेके जा रहे हैं इस रूम में, क्योंकि सब लोग मिस भी कर रहे थे कि अद्दू नहीं है तो अच्छी नहीं लग रही है, अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि ये दौड़ते रहती है ना पीछे पीछे, सारी चीज़ें बचानी पड़ गई। और आज देखिए मेरी गुड़िया बिचारी एकदम शांत बैठी, एकदम शांत। देखिए चलो आ जाओ, पर थाली रेडी हो गया है, गोलू का आरती उतारने के लिए चलिए आ जाओ। तो ये रहा गोलू का केक, इस पे अनिकेत लिखा हुआ है, गोलू का नाम अनिकेत है और इसमें आप देख सकते हैं कम से कम 6-7 चेरी और 6-7 चॉकलेट है। अब ये क्यों है, इसमें स्पेशली डलवा कर लाया गया क्योंकि हमारे घर पे जितने बच्चे हैं उतना चेरी और उतना इसमें चॉकलेट चिप्स जो होता है वो लगा हुआ है, क्योंकि झगड़ा करने लगते हैं कि मैंने खा लिया मैंने खा लिया। नहीं मिलेगा बेटा, नहीं ना बेटा।
तैयारी हो रही है यहाँ पे, बिरयानी निकाला जा रहा है गर्मा गर्म, और फिर अब इसके बाद में आप सभी से मिलती हूँ है, और ब्लॉग जो है एंड करने का समय आ चुका है। तो बस इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, बर्थडे हो गया है, मैंने अभी खाना नहीं खाया क्योंकि मुझे इस साड़ी पे खाना नहीं जाता है, तो मैं चेंज करूँगी साड़ी, उसके बाद खाना खाऊँगी, और उसके बाद खाना खाने के बाद बिल्कुल भी कैपेसिटी नहीं होगा कि मैं ब्लॉग को कंटिन्यू कर पाऊँ, तो इसलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। और साइड में बैठी हुई श्रुति देखिए कार्टून हमारे फ्लावर पॉट बनना है, खाना नहीं खाया है अभी, तो बस खाना खाते हैं, इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अगर ब्लॉग वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब, बाय बाय।